हाँ जी, तो अगर आप लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में हम लोग इसकी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे को काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे थे कि इसकी जो काउंसलिंग होगी वो कब से स्टार्ट होगी। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यूजी कोर्स के लिए ही आप लोग पूछ रहे हो, क्योंकि यूजी कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कब से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो आप लोग मेरे पास नोटिस देख रहे हैं ये पीजी कोर्स के लिए है। एंड इसमें आप लोग देख सकते हो कि जब सीयूईटी पीजी की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई थी 13 अप्रैल को, उसके बाद जो आप लोग के काउंसलिंग की नोटिस थी वो आ गई थी एंड जो आप लोग के रजिस्ट्रेशन से वो भी शुरू हो गए थे। तो आप लोग इसे देख सकते हो कि लाइक इस ईयर की ये नोटिस है, तो लाइक आप लोग भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। जब तक आप लोग की रिजल्ट वगैरह नहीं आएंगे तब तक आप लोग की काउंसलिंग की जो पोर्टल है वो भी ओपन नहीं होगी। तो चाहे आप लोग VVAU में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जो भी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसकी अभी तक ओपन नहीं हुई है, तो उसके लिए भी आप लोग को वेट करना होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो अभी आप लोग को VVAU के लिए भी वेट करना होगा। जब तक आप लोग की जो CVT की रिजल्ट नहीं आ जाती, फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज नहीं हो जाती, तब तक जो आप लोग के काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए अभी आपको पेशेंटली वेट करना होगा और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो लाइक आप लोग वेट करो एंड जैसे ही फाइनल रिजल्ट वगैरह आ जाती है तो फिर काउंसलिंग वगैरह के लिए भी आप लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे ही कुछ और इसके रिलेटेड नोटिस मिलती है या एक्सपेक्टेड डेट वगैरह मिलती है तो फिर मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी एंड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइक कट ऑफ वगैरह देखनी है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चे को फीस में प्रॉब्लम थी कि इसकी फीस वगैरह क्या है इस ईयर की, तो वो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग उधर से चेक कर लेना जो भी कोर्स आप लोग देखना चाहते हो, सारे कोर्सेज की आपको सेमेस्टर वाइज फीस देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग पूरे अपने कोर्स की कैलकुलेट भी कर सकते हो फीस। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।